आपका स्वागत है। आज हम बनाते हैं ब्रेड से गुलाब जामुन। ब्रेड से गुलाब जामुन बनाने के लिए ये हमने 8 ब्रेड लिए हैं। ये देखिए गाइस, अब हमें इस तरह से इसकी साइड है हमें इस तरह से अलग कर देनी है। ये देखिए गाइस, हमने सभी इस तरह से इनकी साइड है इस तरह से हमने हटा दी है। ये देखिए गाइस, हमने मिक्सी के जार में सारे ब्रेड डालकर इस तरह से ग्राइंड कर लिए हैं और अब हम इसका डो लगाते हैं। ये देखिए गाइस, हमें दूध लेना है मलाई वाला और अब हम इसमें डालकर इसका डो बनाएंगे। हम इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका डो लगाएंगे। ना हमें इसको ज़्यादा कैड़ा करना है और ना हमें इसको ज़्यादा पतला करना है। अब हम इसमें एक चम्मच घी की डाल लेते हैं। ये देखिए गाइस, अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। अब हम इसकी पत बनाते हैं। ये देखिए गाइस, हम इसमें 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे। ये हम इसमें 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए गाइस, अब हम इसको इस तरह से चीनी को चलाएंगे। ये देखिए गाइस, ये हम इसमें डाल देते हैं कुछ धागे सेफ्रोन के। ये देखिए गाइस, ये हमने ली है 4 इलायची साबुत, ये हम इसमें डाल देते हैं। आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं और अब हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेते हैं। ये देखिए गाइस, अब हमें इस तरह से एक बॉल उठानी है और इस तरह से हमें ये इस तरह गोल गोल बना लेने हैं। ये देखिए गाइस, हमने सारे गुलाब जामुन इस तरह से बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। ये देखिए गाइस, हमें ऑयल है ज्यादा गर्म नहीं करना है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। देखिए गाइस, कितने अच्छे से गुलाब जामुन बनकर रेडी हुए हैं। हमें इस तरह से ही इनको हिलाते हुए ऑयल में इस तरह से फ्राई कर लेना है लटते पलटते हुए। और हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम डो लगाएं उसको अच्छे से मथें और उसको अच्छे से मथने के बाद उसको रेस्ट पर रखें 10 मिनट के लिए और फिर इस तरह से हमें गोल गोल गुलाब जामुन बना लेने हैं। ये देखिए गाइस, जब कुछ मीठे का मन करे तो आप इस तरह से झटपट ब्रेड से गुलाब जामुन बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखिए गाइस, कितने अच्छे से गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं और कितने अच्छे से गोल गोल बनकर रेडी हुए हैं। आप इस तरह से ही मेरी रेसिपी फॉलो करें और आप इस तरह से ही गुलाब जामुन बनाएं। ये देखिए गाइस, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।